वेलकम स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा सेकेंड ईयर पार्ट का कोडिंग चैनल का डेट पॉइंट। तो आज मैं जो है आपको वीएस कोड को शो करना चाहूँगा। अभी तक जो हम कर रहे थे कोडिंग वो कर रहे थे नोट पैड में। हमने आपको पहला जो अपनी वेबसाइट बना के दिखाई थी, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले मेरा डॉक्टर है एस्टेम बार, इसको हमने क्लोज किया था। तो ये पूरा एस्टेम के स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हेड के अंदर टाइटल होता है, अपन बॉडी के अंदर से हम कोई भी कॉन्टेक्ट इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने छोटा सा कोड लिखा था, उसको रन भी कराया था। रन कराने के लिए ये लिस्ट दे सकते हैं आप। हमने शो है इस फाइल को यहाँ पर डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन से इसको जो है सेव करके यहाँ पर आप फाइल लिख दे सकते हैं। ये एक एच वन टैग लेता है जो हेडिंग टैग होता है, ये हेडिंग टैग बनता आ रही है। फिर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया था, तो कि पैराग्राफ आ रहा है। फिर हमने एक और पैराग्राफ टैग लिया था जो यहाँ पे एनुअल नाम से आ रहा है। इस तरह जो एच टैग को स्ट्रक्चर हमने नोट पैड में हम लिख सकते हैं। लेकिन नोट पैड में जो हम लिखते हैं उसको टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, और टेक्स्ट एडिटर में जब हम लिखते हैं तो पूरा कोड वे लिखना पड़ता है और हमको सजेशन भी मिलता है। लेकिन जब भी वीएस कोड का एक्सपीरियंस करते हैं, किसी कोड एडिटर पर यूज़ करते हैं, आप किसी भी कोड एडिटर पर यूज़ करते हैं, सब लाइन होता है, एडम होता है। लेकिन ज़्यादातर जो कोडर्स है वो वीएस कोड का एक्सपीरियंस होता है। फ्रेंड्स, ये क्या तो आपको वीएस कोड सबसे पहले इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको आना है गूगल पर और सर्च करना है डाउनलोड वीएस कोड विंडोज़ के लिए। पहले लिख पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप किसके विंडोज़ के लिए मैक के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी आप सिस्टम है उसके लिए डाउनलोड करिए। अगर मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करता हूँ 10 या 11 मिनटों का मैं डाउन के लिए लगा दी, और यहाँ पर जो है मेरा वीएस कोड जो है डाउन होने डाउनलोड प्रोसेस का डाउन होने दे गया। और डाउन होने के बाद जो इसको आपको इंस्टॉल करनी है, यहाँ से भी पूरा जो है हो चुका है। यहाँ से इसको फ्री करेंगे, इसको रन कर इसको जो वीएस कोड प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग करनी है। यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने में इसको जल्द से मैं इसको जो है इंस्टॉल करने का। बीच पर मैंने क्लिक कर दिया और ये डिस्क जो है हमारा वीएस कोड जो है ऊपर छुआ है। सिंपल, हमने एक बार फाइल बना के नहीं है, पहले से हमारी कुछ फाइल बनी नहीं है, वो जो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमको जो है वीएस कोड में काम कर रहे शुरुआत से एक बार जो है वो पत्थर भी दिखाता था। हम तो वीएस कोड किस तरह से काम करता है, यहाँ पर मैं अपने डेस्क टॉप फास्ट करूँ, यहाँ पर मैं विंडो ऐड पर क्लिक करूँगा और सर्च करूँगा वीएस। तो यहाँ पर जैसे वीएस लिखूँगा, यहाँ पर वी टू स्टूडियो खुलना चाह जाएगा। इसको आपको सिंपल से ओपन करना है। ओपन करने के बाद जाकर जो आप फाइल्स वगैरह वो मेरा एक फोटो पहुँचा है। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस अंतर फोटो बनाकर आप जो है आपको कोई फीडबैक इंटर में नया फोटो टेस्ट बनाता हूँ। मैं आपको बताया, सबसे पहले आपको जो डेस्कटॉप बनाना है, किसी भी आपको ट्राई कर लेना। यहाँ पर आपको एक नया फोल्डर, जैसे हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ऑर्डर वॉल्यूम ऑप्शन, या मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर क्लिक करने पर इसको आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। तो आपको राइट क्लिक पर क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको ओपन विथ फोल्डर पर क्लिक करना है। ओपन विथ क्लिक करने के बाद आपका जो है ये वीएस कोड सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। और यहाँ पर जो भी इंक्वारी करेंगे वो इसी किसी में फाइल बना के इसी पोर्टल में फाइल बना के करिए। हमने जो अभी नोटपैड पे जो कोडिंग करी है इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया वीएस में। तो किस तरह जो हमने पहला कोड लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ। हेलो वर्ल्ड नाम से हमारा फोल्डर बच हुआ है। अब मैं इस फाइल क्रिएट करने के लिए आपका ऑप्शन करा हुआ है, यहाँ पर मेरी फाइल का या मेरे फोल्डर का ऑप्शन है, या आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट का, मैं आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये कॉलर्स वॉलर्स का। इन दोनों सबको ज़्यादा मतलब हुई है। आपको जो फाइल क्रिएट करके लिए फाइल पर क्रिएट करना है, और यहाँ पर आपको पहली इंडेक्स डॉट एस टी एम एल जो ये फाइल का नाम रखते हैं वो इंडेक्स डॉट एस टी एम एल रखते हैं एस टी एम एल में, और एक्सटेंशन जो होता है एस टी एम एल डॉट एस टी एम या एच टी एम एल होता है। अभी हमने इंडेक्स डॉट एस टी एम एल से फाइल बनाने में इंटरप्रेटिव करके और हमारी जो है सक्सेसफुल एस टी एम एल की हो चुकी है। और हम जो है इस सारे पूरे कोड को यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से कॉपी करके पर सिंपल इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम जो है आपको मैं उसका फ़ायदा बता रहा हूँ, इसके फ़ायदा क्या क्या है। उससे पहले आपको जो है फायर फाइनेंस बजाय आपको एक और एक्सटेंशन यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर एक्सटेंशन आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो है बार बार आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सटेंशन होता है वाइब सर्वर नाम से, इसको आपको जो है इंस्टॉल करना है। वाइब सर्वर आपके पास इंटर कनेक्शन हो चाहिए, इसको डाउन करने के लिए वाइब सर्वर नाम से आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ये मेरा पहले से इंस्टॉल है, आप फिर इच्छा तो ऑप्शन मिलेगा, आपको इंस्टॉल इसको इंस्टॉल करना है। ये क्या काम आएगा वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में कहीं इस वीडियो में बताऊँगा, आप बिल्कुल भी कैचम। फिर यहाँ पर उस तरह से जो है आप इसको रन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका काम क्या है। यहाँ पर आप फोन पे जो ऑप्शन को टाइप का, जैसे हम पूरा पर क्लिक करोगे तो ये जो फाइल है वो रन होना शुरू हो जाएगी आपके ग्राउंड के अंदर, और ये सर्वर के थ्रू आपके मेमोरी, यानी आपको बार बार सेव करते हो उसको जो
आपको रीलोड नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप चेंजेस इसमें करते जाओ पहले तो डायरेक्टली जो चेंजेस हैं वो आपके ब्राउज़र पर शो करते जाएंगे, बार बार आपको सेव और डिलीट नहीं करना पड़ेगा। वही आप सक्सेसफुल कर सकते हो कि जो फाइल है वो सर्वर पर हो चुकी है, सर्वर का नाम आ रहा है। अब आप अगर क्यों भी सिंपल चेंज करोगे एनो वर्ड की जगह आप लिख दोगे कुछ शहादत वाले इसका ऐड कर दोगे, मैं इसमें जो है कुछ भी लिखता हूँ। अब जो है मैं इस फाइल को सेव नहीं किया हूँ, फिर भी आप जो देखोगे सर्वर पर गारंटी दी गई ये जो है डायरेक्टली फिर पर ऐड हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा आसानी से होगा रिएक्ट। इस सब उन्हें जो है एक सेकंड फाइल आप बैठा दी मैंने। अब आपको जो है जब भी एस्टीमेट लिखना होता है पूरा बॉयलर पे डॉट टाइप एस्टीमेट एस्टीमेट हेड बॉडी ये सब जो है आपको मैंडेटरी लिखना है और उसी के अंदर जो है आपको पूरा कोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसको अगर आप एक सेकंड जो है आप अगर लिखना चाहते हो बिना किसी टाइपिंग तरीके तो आपको सिंपली शिफ्ट सेशन वन को प्रेस करना है, यानी कि आपको एक्सक्लेमेशन मार्क आपको प्रेस करना है, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और ये डिश आपकी जो है बॉयलर थे जो है ठीक है। लेकिन डॉट टाइप एस्टीमेट है एस्टीमेट लैंग्वेज यूज़ आ चुकी है, उसको आना जाते आप कहते हैं इसकी रीज रखेंगे। उसके बाद हेड आ चुका है, हेड के अंदर मेटा और टाइटल टैग आ चुके हैं, मेटा टाइप जो है आपको अभी काम के नहीं है लगा देते हैं ऐसे। फिर आपको जो सिंपल जो है बॉर्डर पर अभी जरूरत होती आ चुकी है जो यहाँ पर नहीं वहीं आप बता सकते हो बिल्कुल सीन जो है बॉर्डर पर बनाई आ चुकी है। अब आपको जो भी कॉन्टेंट लिखना है वो आपको सब बॉडी के अंदर लिखना है, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं। बॉडी के अंदर एच वन सुपर एच वन टैग, एच वन टैग क्या करना पड़ता है हेडिंग क्रिएट करने के लिए, सबसे बड़ी हेडिंग के लिए एच वन टैग यही सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं अपने नाम में बताऊँ यहाँ पर जो है राम लिखा ऐसे ही आपकी जो है अब इसको रन कराने से रन कराने के लिए आप टू डायर का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप डायट क्लिक करिए डायट क्लिक करने पर आप बंद डायर सर ऑफर्स में कर रहे हैं और सिंपल आप रिजल्ट जो है हमारा एच वन हेडिंग में हमारा नाम जो है फिर कैंसिल है इधर से वसी दो ऐप तो बहुत ही सिंपल है। किस तरह से आपको छः हेडिंग मिलती है एच वन से नहीं एच सिक्स सब या फिर हम चलिए जो है लिख लेते हैं या फिर इसको एच वन से लेके हमने एच सिक्स तक सारी सारी हेडिंग्स को प्रिंट कर लिया है और उनको मैं आपको ऑफ को दिखाएगा। आप तो जो है मैं आपको आपको उनको साइड साइड में रखकर उससे आपके लिए आ सकते हैं देखने में इसको यहाँ पर आप ले सकते हो। अब जैसे ही जैसे इनका चेंजेस कर मैं आपको दे देंगे यहाँ पर मैं और भी हम पास ब्रेकिंग लग जाएगी आप दे सकते हो। ये एक नॉर्मल टेस्ट फिल जो आनी चाहिए लेकिन हम इस तरह जो है फोन रिपोर्टिंग वगैरह किसी भी कॉन्टेक्स्ट को जब वो लिखते हैं तो वो ऐसे ही नहीं लिखते हैं किसी टैग के अंदर उसको स्पेसिफाई करते हैं। अब देख सकते हैं हेडिंग बनाने के लिए आपको मैंने बता दिया छह तरह की हेडिंग होती है एच वन से लेके एस टेवन में एस सिक्स तक एच वन सबसे बड़ी होती है और एस से सबसे छोटी होती है। अब आप जो एस सेवन अगर मैं लगा दूँ एच सेवन हेडिंग आप लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर मैंने बताओ एच सेवन एच सेवन और यहाँ पर अपने नाम दुआ भी बताए तो भी आप दे सकते हो। आपको आउटपुट जो है वो सेम आने वाला है जैसे नॉर्मल टेस्ट होता है उसी तरह से आउटपुट आने वाला है। एच सेवन कोई भी हेडिंग नहीं बनेगी जो नॉर्मल टेस्ट होगा वही जो है एस सही है कोई हेडिंग नहीं बनेगी। इस तरह एस सर वही टेट है एच वन चलेगी एच सिक्स तो पहले इस पर नहीं। उसके बाद एक जरूरी टैग आता है पैराग्राफ टैग, पूरी पैराग्राफ का अगर आपको लिखना हो ठीक है जो भी लिखते हैं सी टैग के अंदर वी टैग आपको चाहूँगा। अब आप देख रहे होगा पूरा का पूरा आप मैं बार बार जो ये क्रिएटर टैग नेक्स्ट तक ये बार जो उनका यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं सिंपल जो तुम की ओर से पी लिखाऊँ पी लिखने के बाद मैंने सजेशन आ रहा है एमएट की तरफ से एमएट की तरफ से बहुत अच्छा जो है सेशन आते हैं यहाँ पर मैं सिंपल जो है स्पीड टैग पर एंटर करवाऊंगा और पी टैग मेरा जो है उसका ओपनिंग टाइम टू उसको दौरान देंगे यहाँ पर मैं जो भी था वो ले सकता है। अब आपको एक शॉर्टकट तक होता है खराब आपके कुछ कॉन्टैक्ट इसमें ऐड करना है अगर आपको थिंग साइड पर जो है इंपॉर्टेंट आया तो हम एक यूज़ करते हैं लॉरेम का। लॉरेम में क्या होता है आप जितनी बड़े का कोई भी कॉन्टेंट जो है शो करना चाहते हैं मैं 10 वर्ड का कोई कॉन्टेंट शो करना चाहता हूँ तो मैं लॉरेम एंड लिखूंगा और 10 वर्ड का जो है कॉन्टेंट जो है मेरे पास शो किया आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 10 शब्दों पर जो है कॉन्टेंट को शो किया आ जाएगा। इसी तरह से मैं इस कॉन्टेंट को और बढ़ाना करूँ मैं लिखूँगा लॉरेम 50 करके यहाँ पर जो 50 शब्द का जो है कॉन्टेंट कुछ भी मेरे सामने आ जाएगा पैराग्राफ कहना जो है ये कॉन्टेंट जो है आ चुका है सक्सेसफुली। वो आपने जो है एच वन टैग में एस सीख लिया है एडी टैग सीख लिया पी टैग में पैराग्राफ टैग सीख लिया और आप जो है इसको समझी समझ जो है आउटपुट को चेक करके या फिर आउटपुट जो है खाना आया है तो यहाँ पर दोनों टैंक इन्हें आपको बता दिए बहुत ही टाइम फुलते हैं और भी इस टाइम में तीन तीन वीडियो टेस्ट होते हैं उन आने वाली वीडियो उनमें कवर करेंगे। एक टैग में आपको बहुत ही अच्छा टैग बता देता हूँ जो कि काम खान के आने वाला है ठीक होता है कमेंट टैग। अगर आप किसी भी चीज़ को कमेंट करना चाहते हो यूट्यूब को और उसको आप अपने जो टेस्ट एडिटर पर उस पर तो शूट करना चाहता हूँ लेकिन आपको जो उसका आउटपुट है वो सुना गए आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ जैसे कि अगर आप ये मेरा मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड अगर मैं इसके लिए इसको इधर लिखना कोई नीचे जो है आपको दिखता है हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो वो शो नहीं करानी होती है उसके लिए मैं करते हैं कंट्रोल के समान जितना क्वेश्चन मार्क आपको दबाओगे तो ये जो है कमेंट हो जाएगा यानी कि आपको वो एक थ्री ग्रीन दिख रहा है ना जो ग्रीन में आपको दिखेगा यानी ये जो है टेस्ट आइटम शो करेगा लेकिन इसका आउटपुट जो है कमेंट आउट हो चुका है इसको कहते हैं कमेंट आउट करना तो कमेंट आउट हो चुका है। अगर आप किसी भी टाइप को जाते कमेंट आउट करना चाहते हैं कि यहाँ पर इसको क्लियर करोगे आप इसके सिलेक्ट करोगे
ऐसे उसको पूरे वो कमेंट कर दो, तो कमेंट आउट कंसील जो पूरा पूरा जो है डिटेल जो कमेंट कर रहे हैं राइट, तो आपको सब कुछ दिख रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे कि आपका दिया था, जैसे कि आपको कुछ स्पीड हुआ है बाजू का भी लिखना है, कुछ भी नैप होकर भी लिखना है, ये मेरा फर्स्ट वेबसाइट है। वही जो है आप अपनी टेक्स्ट आइटम बन रहे हो, ये जो है इसको जब आपका एडिटर जब रीड करेगा तो इसको पढ़ के कमेंट आउट पर इस कमेंट टेक्स्ट पर पढ़ते हुए इसको स्किल रखेगा, वही जो है आपकी आउटपुट पर शो नहीं कराएगा। अगर इस पर नियम नहीं लगाएंगे तो ये जो है आपके आउटपुट में आपको शो करेगा इन अपर, और ये मेरा फर्स्ट वेबसाइट है। इस तरह से जो है आप जो है फ्री टैग एच वन टैग और ऐसे भी बहुत सारे टैग जो है एस टैग में होते हैं, हम कहीं यूज कर सकते हो। आने वाले के न्यूज़ पर सारे फाइव टैग को तो पहन बनाओ, तो आज हमने उसके बाद रिविजन करे थे, आज हमने पेन कर में पूरी करी थी ई नोट पैड थे, आज हम नोट पैड से हमने सीखी है कैसे बी एस कोड फॉर डाउनलोड करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसके लिए आपको लाइव सर्वर जो है इंस्टॉल करना है, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा सर्वर तो बाहर बैंक में आपने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से आपके पास वीडियोस आने वाली है, तो आप जल्दी जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस के लिए दोस्तों आप एक मैं नोटिफिकेशन दीजिए कि वीडियो की लाइक है। तो मैंने कहा सभी अगली वीडियो में यह बात यह था हमारे डे टू, तो सभी को उस प्रोग्राम रहा, कल मिलेंगे स्पीड एंड इंडिया।